లాక్డౌన్ దృష్ట్యా గర్భిణీ స్త్రీలు వైద్య సేవలకై కూలీలు పూజార్లు ఇమాంలు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు పలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ముఖ్యంగా పోలీసులు రోడ్డు మీదకు రానివ్వకపోవడంతో పలు సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని ఆదిలాబాద్ దీనిపై స్థానిక జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ రాజేష్ చంద్రకి వినతి పత్రం సమర్పించారు। फ्रेंडली पुलिस है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो लोगों को एक ऑटो करके इनको 500 रुपये दे दो किराया और ये ऑटो ले जाके घर को छोड़ दे बोले तो अच्छा रहता, उनको देने से दूसरा गाड़ी लेके आ रहे थे। बाद इंचार्ज एसपी साहब से मुलाकात हुई, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि जहाँ भी 9 बजे से पहले या 9 बजे के बाद ज़रूरी काम के लिए लोग जो जा रहे उनको फाइन मारा जा रहा है। नया चालान के अलावा पुराने जितने चालान्स ड्यू है वो पूरे चालान्स जो सो बने तो गाड़ी छोड़ते बोल के बोल रहे हैं। तो इस वक्त राशन लाने और हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने के लिए इसके लिए लोग परेशान हैं, तो ऐसे वक्त पे लोगों को ना सताया जाए, एक गुजारिश किया हूँ। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो लोगों को हॉस्पिटल आने के लिए ऑटो को कई चालान ड्यू रहते, पेपर सही नहीं रहते, कोई ऑटो वाला हॉस्पिटल ले जाने को तैयार नहीं है। क्रांति नगर, रंधीर नगर, गांधी नगर, इतनी दूर दूर से बंगारीगुड़ा से लोग पैदल जा रहे हैं, लेडीज़ प्रेग्नेंट लेडीज़ कैसा पैदल जा सकते हैं। उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि मैं कितने ऑटो चाहिए मैं लगाता हूँ, डेली उनका किराया जो भी फ्लाइट रेंट रहता मैं वो देना चाहता हूँ, आप परमिशन दीजिए। खाली रिम्स हॉस्पिटल के लिए और प्राइवेट जो हॉस्पिटल से उनको जाने के लिए परमिशन दीजिए और ऑटो भी आप ही सेलेक्ट करिए और ऑटो को परमिशन भी आप दीजिए बोल के गुजारिश किया। और साथ ही साथ ये बोलना चाहा कि कोई किसी के लोग अगर इंतकाल हो गया और कहीं उनको जाना है निर्मल, निज़ामबाद, हैदराबाद, तो पास के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही, उसके लिए भी कुछ करना बोल के गुजारिश किया। और ज़रूरी चीज़ों के लिए जब लोग कहीं बाहर निकल रहे, पास बताए तक फ़ोटो निकल जा रहा, जब तक उनको 1,035, 1,500, 2,000 रुपये चालान हो जा रहा, तो ये टाइम नहीं है लूटने का। तो मैं सीएम केसीआर से आपसे बोलना चाहता हूँ, इस तरीके से पुलिस को सताकर आप गरीब लोगों पे जुल्म करा दे रहे, तकलीफ़ दे दे रहे, ये वक्त नहीं है। हॉस्पिटल के पैसे भरने को, मेडिसिन लेने को, राशन लाने को, ज़िंदगी गुजारने को पैसे नहीं है, ऐसे टाइम पे तुम पुराने चालाना भी दे बोल रहे, नए चालाना भी मार दे रहे, और जिनको परमिशन दिए 9 बजे तक उनको भी जो सो चालान मार दे रहे, जिनको 10 बजे के बाद ज़रूरी है हॉस्पिटल जाना है, मेडिसिन जाना है, वैसे लोगों को भी जो सो तकलीफ़ दे दे रहे। तो मैं अदबन गुजारिश किया हूँ एसपी साहब से कि प्लीज़ आदिलाबाद की हद तक, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट की हद तक ये चीज़ों को रोका जाए और थोड़ा सा इंसानियत के नाते ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे